का इस्तेमाल किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने कानपुर के रजिस्ट्रार कार्यालय में की थी। भानवी सिंह पर ये FIR हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई है, जिसमें उनके खिलाफ 120B, 419, 420, 467, 468, 469, 471, 506 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। वहीं FIR दर्ज होने के बाद भानवी सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक कविता के जरिए की। वह पथ क्या, पथित कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसके बाद भानवी सिंह ने लिखा, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। मुझे अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर संभव है तो एक बार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का जिम्मा किसी ऐसी एजेंसी को दे दीजिए, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं DGP UP से भी अनुरोध करती हूं कि कृपया हजरतगंज कोतवाली में हो रही FIR और मेरे प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अन्यायपूर्ण और द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे अफसरों की भी जांच करवाएं। बाकी FIR के हर झूठ को उचित माध्यम से विधि सम्मत तरीके बेनकाब कर सके। खैर, कौन सच्चा है कौन झूठा वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, इसलिए अभी तो सिर्फ इंतजार करना होगा। इस मामले में आगे और क्या होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे।